विदिशा जिले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पठारी ने पिछले वर्ष की खरीफ फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में विसंगतियां और पात्र किसानों को बीमा न मिलने के विरोध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत सदस्य सुभाषिन बहोत के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया है। जिला पंचायत सदस्य वासनी बहोत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कमलनाथ सरकार के दौरान स्वीकृत किए गए फसल बीमा का भाजपा से लेना चाहती है। भाजपा सरकार के दबावों में अधिकारियों ने किसानों के साथ भेदभाव कर मनचाहे किसानों को लाभ देना चाहा है और कई पात्र किसानों को फसल बीमा से वंचित रख दिया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। किसी भी बात का निर्णय स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करें। परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाले किसान एवं रहवासियों में असमंजस की स्थिति है कि परियोजना में आने वाले गांव में जो मकान बच रहे हैं उनका मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि गांव के दोनों तरफ से परियोजना में पानी भर जाएगा और गांव में आने जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। मजबूरी बस उन मकानों को भी खाली करना पड़ेगा, जैसे कांकलखेड़ी और दुसराहा। कांकलखेड़ी में यहाँ मंदिर के यहाँ पानी आ जाएगा, वहाँ जसवंत घर के सामने पानी आ जाएगा और बीच के घर बच जाएंगे। अब जब इस साइड से पानी भर जाएगा, उस साइड से पानी भर जाएगा, तो आदमी उस घर में लेने कैसे जाएंगे, उनको मुआवजा देना पड़ेगा। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पे? अभी तो विभाग का ये प्रस्ताव है कि जैसा आपने बताया दोनों साइड से रास्ते बंद हो जा रहे हैं, तो ये प्रस्ताव चल रहा है कि एक नई सड़क इसको दी जाए जिससे इनकी कनेक्टिविटी पूरी मेन रोड से बनाए। जमुनिया को पूरा दिया जाएगा, रास्ता देने का प्रस्ताव है, तक रास्ता नहीं दे पाते हैं। दूसरा उक्त परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाले किसानों और रहवासियों के समस्त मकानों का मूल्यांकन लोक निर्माण द्वारा कराया, पीडब्ल्यू द्वारा कराया जाना चाहिए। ठीक है, जो मकान डूबेंगे उसका मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी करेगा। परियोजना में डूबने आने वाले किसानों एवं रहवासियों में असमंजस की स्थिति है कि परियोजना में जो गांव पूर्ण रूप से बच रहे हैं जैसे कांकर के, उनके आने जाने के रास्ते पूरे बंद हो रहे हैं, उस स्थिति में उस गांव में लोग नहीं रह पाएंगे, तो उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। रास्ता नहीं बच पा रहा है, अगर रास्ता बनाने का पॉसिबल नहीं है तो फिर पूरा लिया जाएगा, और अगर रास्ता धीमिल बन पा रहा है तो रास्ता। आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, पूरे गांव का मुआवजा दिया जाए, पूरी जमीन का दिया जाए। उक्त परियोजना में किसानों में असमंजस की स्थिति है कि जो मुआवजा दिया गया है वह सिंचित का है या असिंचित का है। महोदय, खसरा में जिस भूमि में सिंचित लिखा गया है उसे सिंचित माना जावे और जो असिंचित लिखा गया है उसे असिंचित माना जाए। मुआवजा की राशि कितनी दी जा रही है यह भी स्पष्ट किया जाए ताकि किसानों में असमंजस की स्थिति खत्म हो जाए। आप लोग एक भ्रम फैला रहे हैं जी मां, ये हम स्रोत देखेंगे पानी का, कि इसमें पानी कहाँ से दिया जाता है। इस खेत में हम नदी से भी देते हैं, हम किराए से भी दिलवाते हैं, लोग किराए से ही पानी दिलवाते हैं। आप लोग तहसीलदार साहब, आप जानते हो अगर हमारे खेत में ट्यूबवेल नहीं है तो पड़ोसी से किराए से पानी दिलवाते हैं। तो जो हमारे यहाँ जो खसरा में जमीन लिखी है ये सिंचित है, हम अगर उसमें दृष्टि करवाते हैं तो सिंचित के पैसे लगते हैं। क्या बात क्रेडिट कार्ड भी सिंचित के आधार पर, हमें सिंचित का मुआवजा चाहिए। आप ये नहीं मान सकते कि इस खेत में ट्यूबवेल नहीं है तो ये खेत असिंचित माना जाएगा। अगर पटवारी ने सिंचित लिखा है, तहसीलदार ने सिंचित माना है उसको, तो आपको सिंचित मानना पड़ेगा लैंड कार्ड के अनुसार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।